जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसार। तो दोस्तों, अगर आपका लॉन्ड्री शॉप है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिए। अगर आप लॉन्ड्री में कपड़े देने जाते हो ड्राई क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, तो भी ये वीडियो पूरी देखिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक लॉन्ड्री बिजनेस है, कम से कम 2002 से मैं ये मेरा काम कर रहा हूँ। लॉन्ड्री का हर तरह के कस्टमर मैंने मेरे शॉप में आते हुए देखे हैं, हर तरह के कस्टमर्स देखे, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ कस्टमर ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बट होता है ऐसा। मेरे पास एक लेडीज़ कस्टमर 2 साड़ियाँ लेके आई थी, मार्च महीने की बात है, अभी की नहीं है, बहुत थोड़ी सी पुरानी वीडियो है ये, लेकिन अभी आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। एक लेडीज़ मेरे पास आई कि मेरे को 2-3 साड़ियाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए देनी है, तो ले लो और मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को रिसीट कर दो बस। अभी मैं तो जल्दी में था कस्टमर, तो मैं सोचा कि चलो इनको रिसीट बना देते हैं, बट जब साड़ियाँ मैंने प्लास्टिक बैग से निकाली तो मुझे जस्ट डाउट आया कि ये साड़ी का शेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस साड़ी का। तो मैंने कहा कि नहीं मैडम, ये साड़ी हम प्रॉपर चेक करते हैं, उसके बाद में ही रिसीट देंगे आपको और उसके बाद में ही ड्राई क्लीनिंग होगी। अगर आपको जल्दी है बहुत ज़्यादा तो हम 2-3 दिनों बाद आप आइए, तब साड़ियाँ लेके आइए, तभी मैं रिसीट करूँगा, तो अभी तो चेक करनी पड़ेगी साड़ी, 5-10 मिनट आपको लगेंगे। तो उन्होंने हाँ नहीं करते, नहीं अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं साड़ियों में, सिर्फ उनको वॉश करना है, नई साड़ियाँ एक ही बार पहनी है। तो बस ऐसा होता, अगर मैं नहीं देखता वो थोड़ा सा स्पॉट, तो मैं जल्दी में रिसीट करके दे देता, बट मैंने साड़ी का एक पोर्शन था जहाँ से साड़ी स्टार्टिंग होती है पहनने की, वहाँ से मैंने छोटा सा देखा तो साड़ी का कलर फेड दिख रहा था मुझे। मैंने पूरी साड़ी खोल के देखी फ्रेंड्स, पूरी साड़ी ख़राब है, ब्लाउज़ का भी कलर पूरा ज़्यादा ख़राब है। कस्टमर को ठीक है, कस्टमर के सामने ही चेक किया, उनको बोला कि ये साड़ी तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी तो पहनने ही लायक नहीं है, इसको आप नहीं ड्राई क्लीनिंग करेंगे तो भी चलेगा। तो नहीं बोले, ये तो मेरे सिस्टर को पहनने के लिए दिया था, मेरी सिस्टर की साड़ी है, ऐसा उल्टा कुछ ना कुछ मुझे उल्टा सुल्टा कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का उनका इंटेंशन था शायद। तो मैंने कहा कि आप जिनकी साड़ी है, आपकी है या किसी और की है, उनको बोल दो कि साड़ी परमानेंटली डैमेज हो गई है, लॉन्ड्री वाले किसी भी तरह की गारंटी नहीं ले रहे हैं और कस्टमर के रिसीट पे हम लिख देते हैं कि साड़ी डैमेज है, तो ऐसा होगा तो डालिए साड़ी, अदरवाइज नहीं डालनी है आपको। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया मेरे को पता नहीं, फिर बोले कि नहीं करो, 150 रुपये ले लो और इसको सही कैसे होगी ये। मैंने कहा कि सही बिल्कुल भी नहीं होगी, ये परमानेंट डैमेज हुई है। तो बोले कैसी हुई होगी कैसी नहीं, मेरे को कुछ भी पता नहीं है। तो फिर अभी पॉइंट ये है कि मैं ये लॉन्ड्री बिजनेस कर रहा हूँ, रोज़ की कितनी साड़ियाँ मेरे हाथों से ड्राई क्लीनिंग होती है, कितने ही साड़ियाँ मैंने आज तक देखी हैं 18 से 19 सालों में। कस्टमर्स के पास होती है 5-10-20 साड़ियाँ होती है, लेकिन वो सामने वालों को समझते हैं कि इनको कुछ अक्ल ही नहीं है, इनको हम ठग लेंगे आराम से, अभी साड़ी दे देंगे, फिर बाद में जब लेने आएंगे तो बोलेंगे कि ये साड़ी आपसे हुई है, अगर एक बार रिसीट बन गई तो फिर हो गई कि गलती आपकी ही है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है फ्रेंड्स, आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, आप लोगों को पहचानते नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि साड़ी में एक पहले से होल होता है, साड़ी पहले से फटी होती है, तो फिर कस्टमर बोलता है कि आपसे ही हुआ है, बहुत बार होता है। हम पूरी 6 मीटर की साड़ी होती है ना, हम एक एक पोर्शन नहीं देख सकते हैं। फ्रेंड्स, राधे श्याम के व्लॉग्स हमारा नया यूट्यूब चैनल है, तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना इस चैनल को भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो चलो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा, सभी कस्टमर बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो इंटेंशन उनका गलत होता है, बट आपको सीखना पड़ेगा। लॉन्ड्री बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत सब कुछ है लॉन्ड्री बिजनेस में, बट बहुत ज़्यादा रिस्क है, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते हैं, और हमें अपने काम पे ही अगर कॉन्फिडेंस नहीं होना तो फिर कस्टमर हमें ज़्यादा ठगते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद में आपको क्या लगता है, तो प्लीज़, ये नई की नई साड़ी थी, कैसे डैमेज हुई कैसे नहीं वो मेरे को भी पता है,
और कस्टमर को भी पता है, लेकिन कस्टमर कबूल नहीं करता है, सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आपका क्या कहना है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।